भाई स्वागत है आपका अपने चैनल पेंथेलेम में। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीओ बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मैच खेला जाएगा इवनिंग्स में, ये नॉर्थेन टाइगर्स वर्सेस आपको फ्लाइंग रिपोर्ट के साथ ये मैच खेला जाएगा। 5 PM में ये मैच लाइव होगा। इस वीडियो में गाइस हम SL और JL के रिगार्डिंग बात करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम के स्टैंडिंग की, जो इस सीजन में स्टैंडिंग है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो फ्लाइंग रिपोर्ट की टीम बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है, 3rd नंबर पे प्लेसिंग है। और गाइस इन्होंने 26 मैचेस प्ले कर चुके हैं, जिसमें 21 मैचेस जीती हुई है, 5 मैच ओनली इनका लॉस रहा है। सेकंड टीम गाइस यहाँ पे आपको नॉर्थेन टाइगर की टीम की बात करें, 12 नंबर पे स्टैंडिंग है, जिन्होंने 26 मैचेज में 13 मैच जीत के आ रही है और 13 मैच इनका लॉस रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे फ्लाइंग रिपोर्ट की टीम मजबूत नजर आ रही है और हेड टू हेड मुकाबले में बेहतरीन इनका परफॉर्म रहा है। तो आप गाइस यहाँ पे जो आज के जो कॉम्बो कम्बिनेशन बनने वाले, जो आज के स्टार्टर भी रहने वाले, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए गाइज स्किप मत कीजिएगा, फुली वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइज दोनों टीम की, जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उससे पहले गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल SL टीम आएगी गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री टीम होती है गाइज। यहाँ पर आपको सभी फॉर्मेट पे यहाँ पे टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बास्केटबॉल के ऑलमोस्ट सभी मैचेस की यहाँ पे आपको टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइज। आप स्क्रॉल करके हमारे स्क्रीनशॉट प्लस में आप जो भी टीम प्रोवाइड करते हैं सारी आप देख सकते हो यहाँ पे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए गाइज सर्च कर सकते हो, या टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में ये लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। क्योंकि गाइज आपको यहाँ पे फुली डीपली एनालिसिस की टीम मिल जाएगी, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, या आप टेलीग्राम पर विजिट करते हो तो आप वहाँ पे भी जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आने वाली है फाइनल SL टीम। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीम की, जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट मैच यहाँ पे नॉर्थेन टाइगर की टीम जो परफॉर्म करके आ रही है, बेहतरीन परफॉर्म किया इन्होंने, वन साइडेड मैच विन करके आ रही है। डी जॉन्स का बेहतरीन परफॉर्म रहा, इन्होंने 41 मिनट्स प्ले किया था, 15 पॉइंटर इनके कनेक्ट हुए थे, काफ़ी 3 पॉइंटर अटैम्प्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन इनका परफॉर्म रहा था गाइस। 50 पॉइंटर कनेक्ट के बाद इन्होंने रिबाउंड भी 21 इन्होंने कलेक्ट रिसीव किया हुआ था और 11 इनका असिस्ट था, 1 इनका स्टील था। वाई चियांग की बात करें, 41 मिनट्स प्ले किया था, 14 पॉइंटर, 12 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और जे चू की बात करें, जिन्हों जो पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते, 37 मिनट्स प्ले किया था, 18 पॉइंटर, 3 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। डब्ल्यू चियांग की बात करें, 36 मिनट प्ले करके आ रहे, 4 इनके पॉइंट गार्ड थे। कैसे एली की बात करते हैं तो एली जो आपको यहाँ पे ये भी स्टार्ट करते हुए नजर आए थे, इनका भी परफॉर्म बेहतरीन रहा था, इन्होंने 90 मिनट्स प्ले किया था, 2.4 इनके रिबाउंड थे, 3 इनके स्टील थे। बेन से प्ले करने आए थे गाइज यहाँ पे सी जोंग, जिन्होंने 26 मिनट प्ले किया था, तो 2.8 इनके 5 रिबाउंड और 2 इनके असिस्ट थे गाइज। और बेन से यहाँ पे आपको एस पेंग भी बेन से प्ले किए थे, जिन्होंने 2 मिनट्स प्ले किया था, 2.3 इनके रिबाउंड थे। अब गाइज बात करते हैं सेकंड टीम, तो सेकंड टीम की गाइज यहाँ पे देख सकते हो फ्लाइंग रिपोर्ट की, तो फ्लाइंग रिपोर्ट का भी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा था, ये भी वन साइडेड मैच विन करके आ रही है। इनके तरफ से स्टार्ट किया था लास्ट में जेड जैंग, जो सेंटर से प्ले करते हैं, 30 मिनट्स इन्होंने प्ले किया था गाइज, 12 पॉइंटर थे, 7 इनके रिबाउंड थे, 2 इनके असिस्ट थे। के फॉक्स की बात करें, के फॉक्स का भी परफॉर्म बेहतरीन रहा था, 27 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 9 पॉइंटर इनके थे और 10 इनके रिबाउंड थे, 2 इनके असिस्ट, 4 इनके स्टील इन्होंने रिसीव किया था, अच्छे खासे इनका भी परफॉर्म रहा था। और ए गाओ की बात करते हैं, जिन्होंने 26 मिनट्स प्ले किया था, 10 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 4 इनके असिस्ट थे। और वाई ल्यू की बात करें, जिन्होंने 21 मिनट्स प्ले किया था, 8 पॉइंटर, 7 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। एल जियाओ की बात करें, जिन्होंने 11 मिनट्स प्ले किया था, 5 पॉइंटर, 6 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। बेन से प्ले करने आए थे एच फी, जिन्होंने 29 मिनट्स प्ले किया था, 19 पॉइंटर, 9 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। जे जाओ की बात करें, जिन्होंने 22 मिनट्स प्ले किया था, 14 पॉइंटर, 1 रिबाउंड, 4 इनके असिस्ट थे, 1 इनके स्टील थे। वाई SU1 की बात करें, जिन्होंने 18 मिनट्स प्ले किया था, 5 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 3 इनके असिस्ट थे गाइस। यहाँ पे CU की बात करें, जिन्होंने 15 मिनट्स प्ले किया था, 7 पॉइंट, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे गाइस। JDU की बात करें, जिन्होंने 14 मिनट्स प्ले किया था, 2 पॉइंट और 1 इनके असिस्ट थे। जे सैमसन की बात करें, जिन्होंने 11 मिनट्स प्ले किया था, 11 पॉइंट, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 इनके स्टील थे गाइस। एम कॉन्ग की बात करें, जो 9 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 3 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 2 इनके असिस्ट थे। अब गाइस बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग SL और JL पे पिक करने वाले, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से, यहाँ पे देख सकते हो डी जोन्स जो आपको स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल कैप्टन रहने वाले, सभी के SP रहने वाले अपनी टीम में, इनको मस्ट पिक कर सकते हो। ए गाओ की बात करते हैं, ए गाओ का लास्ट में जो कोई खास परफॉर्म नहीं रहा था, इनको कम टाइम मिला था, वैसे अच्छे परफॉर्म आ रहा है, अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर स्टार्ट करते हैं तो। गाइस जे क्यू की बात करें, ये भी आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन बनने वाले हैं, अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। एम कॉन की बात करें, बेन से प्ले किए थे, इनका लास्ट मैच कोई खास नहीं रहा था, वैसे आप अपनी टीम में इनको लेके जा सकते हो। और गाइस यहाँ पे शूटिंग गार्ड से बात कर लेते हैं, डब्ल्यू जियांग जो आपको बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, अच्छे
ऑप्शंस बन सकते हैं। जूली झाओ की बात करिए, आपको बेन से प्ले करेंगे, अच्छे ऑप्शन से भी बन सकते हैं, अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हैं। डी कॉन्ग की बात करें बेन से प्ले करेंगे, डब्ल्यू चेंग की बात करिए आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, ठीक ऑप्शन बन सकते हैं। स्मॉल फॉर्ड जगह बात करते हैं के फॉक जो आपको स्टार्ट करेंगे बेहतरीन ऑप्शन से, वी सी और कैप्टनसी के लिए भी आप इनको अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जे युक्शिंग की, जिन्होंने 15 क्रेडिट में अवेलेबल है, हर मैच में इनका एवरेजिंग ठीक ठाक रहता है, 30+ आपको पॉइंट्स करके दे सकते हैं, अपने टीम में मस्ट पिक कर सकते हो। और यहाँ पे केविन जैंग की बात करें जो आपको स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन बनने वाले हैं, अपने टीम में ट्राई कर लेना। टी ल्यू आपको वैसे बेन से प्ले करेंगे, अपनी टीम में क्रेडिट मैनेज के लिए चाहो तो उनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। पावरफोर्ड से गाइज बात करते हैं सी जैंग जो आपको बेहतरीन ऑप्शंस रहने वाले हैं, अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। गाइज ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। जे सैमसन की बात करते हैं, ये आपको बेन से प्ले करेंगे, लास्ट मैच भी आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आए थे। एक्स लीग की बात करें स्टार्ट करेंगे, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। एच डिंग आपको ये बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, कम क्रेडिट में अवेलेबल है, बट क्रेडिट मैनेज के लिए आप इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। सेंटर से गाइज बात करते हैं डीहान, ये अगर स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम में पिक करना, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलना। एच हू अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, बेन से ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। वाइली स्टार्ट एली स्टार्ट करेंगे, 8 क्रेडिट में अवेलेबल है। एम जेंग जो है आपको बेन से प्ले करेंगे, बट लास्ट मैच इन्होंने प्ले नहीं किया था। एच डाई की बात करिए आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ एल यू वन की बात करिए आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो सेट टीम में मैंने पॉइंट गार्ड सेक्शन से 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है। एलियन गाओ जो स्टार्ट करेंगे हमारी टीम में रहने वाले, जे चू भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, एम कॉन्ग आपको बेन से प्ले करेंगे, और डी जोन्स यूनिवर्सल कैप्टन सभी के रहने वाले हैं, एज एसपी ट्राई कर लेना। यहाँ पर जूली झाओ आपको बेन से प्ले करेंगे, अटैकिंग प्ले करते हैं अपने टीम में ट्राई कर लेना। युक्सिंग जैन को मैंने एज ए वीसी ट्राई किया हुआ, आप चाहो तो यहाँ पे एलियन गाओ के भी साथ वीसी जा सकते हो। और गाइस यहाँ पे एक्सली जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, L1 आपको ये भी बेन से प्ले करेंगे, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, इसलिए गाइस आप अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और अपनी टीम में इनको सेट टीम करके रखना, बाकी जो परफॉर्म होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा, लाइनअप प्लस स्क्वाड वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। ये हमारी सेट टीम है, सेट करके रखना गाइस, क्योंकि जो भी इन्फॉर्म्स होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, स्क्वाड भी और लाइनअप वगैरह दे दिए जाएंगे। और गाइस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको हमारे फाइनल टीम आने वाली है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच सकेगा। यहाँ पर आपको सभी बास्केटबॉल की इन्फॉर्मेशन और सभी की फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।